साहित्य से नाटक तक ऐसे हमारे अरविंद देशपांडे स्मृति महोत्सव की एक थीम थी, जिसमें मैंने ये कथा थी, एक मराठी दीपावली मैगजीन होता है उसमें मैंने मेरे मैंने ये पढ़ लिया है। मुझे इतना इतना अच्छा लगा कि मेरे दिमाग से जा न पाया, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही प्ले करना चाहिए। लेकिन उसमें एक छोटी सी स्टोरी थी, बहुत शॉर्टेस्ट स्टोरी यू कैन से इट। तो मैंने वो मतलब तुम खेलने को जाओ, लड़का बोलता है मैं नहीं जाता, उसके ऊपर कैसे ये प्ले जाएगा ये सोचा मैंने। बेसिकली मैं इसमें जो किरदार प्ले कर रही हूँ वो मेरे एज ग्रुप का नहीं है। वो किरदार ऐसा है कि हम जो देखते हैं हमारे समाज में फीमेल औरत जो होती है उसके इमोशंस उसको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम अभी तक नहीं है। अभी 2016 इज़ गोइंग ऑन, अभी भी थोड़ा समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर के क्या कहेंगे, ये चीज़ें हम कितने भी शो ऑफ करें कि हम फॉरवर्ड है, ऐसे है वैसे है, बट थोड़ा कहीं पे वो मैटर करता ही है। बट वो एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होना चाहिए, बिकॉज़ एवरी टाइम वो कुछ गलत रास्ते पे जाता है ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार जेन्युइनली कुछ इमोशंस हो सकते हैं जो कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वो उस प्रकार से और बहुत सटल और डिसेंट तरीके से एक्सप्रेस करने की हमने कोशिश की है। मेरा किरदार एक सीधे लड़के का है जिसे खेलने को नहीं जाना है, जो अक्सर जाता है पर उसको जाना नहीं है। और उसकी मम्मी जो है उसका कोई प्रॉब्लम है, वो आपने देखा ही रहेगा ड्रामा में। तो ही इज़ वेरी इनोसेंट आई सपोज। उसको ये क्वेश्चन है कि बीच में उसकी जो मम्मी है, जो कभी अक्सर ज़्यादा गुस्सा नहीं करती है, वो अचानक इतनी बीच में मूड चेंज क्यों कर रही है, ये उसको सवाल है। और यही आई सपोज ये कैरेक्टर है।
Don't forget to subscribe our official YouTube channel and kindly visit our website www.delhitheatre.com. Stay tuned with us on Facebook, Twitter, LinkedIn at Delhi Theatre. For any queries, contact us 9211666780 on WhatsApp, Line, Viber and WeChat. Or you can also download our official Android app from Google Play Store by the name of Delhi Theatre.